नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर जी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले हो एक्सेल में सैलरी शीट को किस तरीके से बनाया जाता है। सैलरी शीट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली अगर आप कहीं पे भी काम करने के लिए जाओगे तो आपको सैलरी शीट बनाने के लिए आता है तो ही आपको एस अकाउंटेंट कहीं पे काम पे रखेगा, ठीक है। और साथ में सैलरी शीट में कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उस वर्ड के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जैसे HRA क्या होता है, PF क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, ESI क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ये सारे के मतलब आपको पता होना चाहिए अगर आप सैलरी शीट बना रहे हो तो। इस वीडियो में आप कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आईडी नंबर दिख रहा है। ये आईडी नंबर जो है या तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करो या फिर प्राइवेट ऑफिस में काम करो, आपको एक आईडी दिया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नेम लिया गया है। और नेक्स्ट है डेजिग्नेशन, ये मैनेजर पोस्ट हो गया, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, सुपरवाइज़र, स्टाफ, हेल्पर, ये सब एक पोस्ट हो गया, ठीक है। ये पोस्ट के बेसिस पे ही बेसिक सैलरी को रखा जाता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैनेजर का सैलरी सबसे ज़्यादा है 60,000, असिस्टेंट मैनेजर 50,000, सुपरवाइज़र 25,000, स्टाफ 15,000, हेल्पर 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका अटेंडेंस का, यहाँ पे अटेंडेंस एक मैन्युअली टाइप किया गया है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट जो हमें निकालना है सैलरी ऑफ वर्किंग डे, सैलरी ऑफ वर्किंग डे निकालने के लिए आपको यहाँ से इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आपका जो बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड करना है 30 से, ठीक है। 30 से आपको डिवाइड करना है तो ये आपका निकल जाएगा एक दिन का सैलरी, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ अटेंडेंस में आप प्रेजेंट कितने हो, 25 डेज, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 25 से। 25 सेल पे क्लिक कर देते हैं और इस तरीके से करने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका सैलरी ऑफ वर्किंग डेज आ चुका है। यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं तो ये आपका सारा का सैलरी ऑफ वर्किंग डेज आ चुका है। नेक्स्ट है ओवर टाइम इन आवर, किसी भी ऑफिस में नॉर्मली जो है 8 आवर्स का एक शिफ्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 आवर से ज़्यादा कोई भी काम करता है तो उसको क्या मिलेगा, ओवर टाइम का सैलरी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ओवर टाइम का यहाँ पे आवर टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ से इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आप सबसे पहले एक दिन का सैलरी निकाल लें। एक दिन का सैलरी निकालने के लिए आपको करना है बेसिक सैलरी पे क्लिक और डिवाइड कर देना है 30 से, तो आपका ये एक दिन का सैलरी निकल चुका है। नॉर्मली किसी भी ऑफिस में, नॉर्मली जो है ऑफिस में 8 आवर काम किया जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 1 आवर का सैलरी निकल जाएगा। लेकिन आपको निकालना कितना है, आपका जो ओवर टाइम का जो आवर है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ से इस सेल पे क्लिक कर दें जो कि आपका 12 आवर है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका ओवर टाइम का सैलरी निकल चुका है। इसको इस तरीके से ड्रैग कर लें। ये सारे जो भी मेंबर है ऑफिस में सारे का ओवर टाइम सैलरी निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे DA। DA का पूरा नाम होता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ये आपका अलाउंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको DA मिलेगा ही। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे जितना हायर पोस्ट पे है उसका DA उतना हाई है, ठीक है। जो लो पोस्ट पे है उसका थोड़ा कम है, ठीक है। तो DA, यहाँ पे आपने DA को समझ लिया। अब आते हैं HRA। HRA क्या होता है, HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप एक अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको कंपनी रहने के लिए रेंट भी पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका ओवरऑल सैलरी कितना है। तो ओवरऑल सैलरी जो रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। यहाँ से इक्वल करना है और जो भी आपका सैलरी है उस सैलरी को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। आपका देखिए वर्किंग डे का सैलरी है, उस पर क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपका जो ओवर टाइम का सैलरी है उस पर भी क्लिक कर लें और ऐड कर लें। और आपका DA ये भी आपको मिलेगा और हाउस रेंट अलाउंस ये भी आपको मिलेगा। और यहाँ से आपको करना है एंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो है ग्रॉस सैलरी यानी ओवरऑल सैलरी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 60,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रैग करके यहाँ पे सारा का देख पा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं ESI क्या होता है। ESI जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यानी ये जो है ना हर एक कंपनी एक इंश्योरेंस के तौर पे आपका 2% कट करके रखता है, ताकि जब भी आप कोई प्रॉब्लम में हो या फिर आप बीमार हो तो कंपनी वो पैसा, वो जो आपका 2% कट करके रखा है वो आपको दे सके। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि LIC का नाम आप लोगों ने सुना है, LIC के जैसे ये हमारा ESI भी काम करता है ये, लेकिन ये क्या हो गया, ये आपको एक कंपनी देती है। तो ESI कैसे निकलेगा वो देखते हैं। यहाँ से आपको इक्वल टू करना है, इक्वल टू करने के बाद आपका जो वर्किंग डे सैलरी है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें आप कि जो आपका वर्किंग डे सैलरी है उसी पे आपका यहाँ पे ESI निकलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ देख लेना है वर्किंग डे सैलरी है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से 2% निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है और 2%, और आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2% लगाना ना भूलें, ठीक है। परसेंट अगर आप गलती से भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको बस एंटर करना है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका ESI निकल चुका है। आप यहाँ से ड्रैग कर लें तो आपको यहाँ पे सारा स्टाफ का ESI निकल जाएगा। हाँ, जैसे हम लोग ESI निकालें PF भी वैसे ही निकलेगा, लेकिन PF को पहले समझते हैं ये PF होता क्या है। PF जो है इसका पूरा नाम होता है प्रोविडेंट फंड, यानी आप किसी भी कंपनी में जब काम करते हो तो आपका वर्किंग डे का सैलरी से हर मंथ कुछ ना कुछ काट लिया जाता है, ठीक है। वो कट करके जब आप रिटायर करते हो या फिर आप कंपनी छोड़ते हो तो उस टाइम आपको ये पूरा मनी जो है ये आपको देता है। जैसे आम तौर पे आप अपने घर के आसपास भी सुनते होगे, अपने जॉब से रिटायर होने की वजह से 60 लाख 80 लाख मिला है, ठीक है। तो PF समझ गए होगे आप क्या होता है। तो PF निकालने के लिए सिंपली इक्वल टू करना है आपका वर्किंग डेज। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें, आपका जो है ESI हो या फिर PF हो, ये आपका वर्किंग डे सैलरी पे ही निकलेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो PF है, PF कहाँ है, एक मेंशन किया हुआ है, PF आपका 7% पर मंथ से काटा जाएगा। तो आप यहाँ से 7 टाइप करें और यहाँ से परसेंट लगाना ना भूलें और यहाँ से एंटर कर दें, तो ये आपका PF जो है निकल चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रैग कर लें तो यहाँ पे सभी का निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कि है नेट सैलरी, नेट सैलरी को आप बोल सकते हो इन हैंड सैलरी, जो सैलरी आपको हैंड में दिया जाएगा। ऐसे तो अभी हमारा इंडिया डिजिटल हो गया है, हैंड में तो कम मिलते हैं लेकिन अकाउंट में मिलते हैं, तो आप वही समझ लें, हैंड में समझें या फिर अकाउंट में समझें। जो आपको सैलरी पर मंथ दिया जाएगा सारा कुछ कट करके, वो कितना मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे आपको करना है इक्वल टू करने के बाद आपका जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है ओवरऑल सैलरी जो है आपका जो है उससे आपको माइनस कर लेना, यानी आपका ये 2% तो रख लेगा, जब आप बीमार पड़ोगे तब देगा। फिर आपका PF, और यहाँ पे PF जो है यानी 7%, ये 7% भी आपका रख लेगा, जब आप रिटायर करोगे तब ये आपका देगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको बस एंटर करना है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका इन हैंड सैलरी निकल चुका है, यानी नेट सैलरी निकल चुका है। इस तरीके से आप ड्रैग कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे नेट सैलरी आ चुका है, ठीक है। नेट सैलरी जो कि है यहाँ विकास सिंह का कितना है, 55,500। तो चलिए इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं कि हमारा ये सैलरी सीट वर्किंग है या फिर नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 25 डेज है, अगर ये 25 डेज नहीं 20 डेज ही काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका नेट सैलरी, यानी पूरा ये पूरा जो है ये आपका डाटा चेंज हो रहा है। दोस्तों आई होप कि सैलरी सीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो डाली जाती है और आगे भी डाली जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।